दोस्तों यहाँ पर तारक मेहता शो में एक बहुत ही बड़ी घटना घटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने तारक मेहता शो की हिस्ट्री में देखा होगा, सबसे पहले जेठालाल किडनैप हो चुका है, उसके बाद दया भाभी किडनैप हो चुकी है, उसके अलावा सोडी भी किडनैप हो चुका है शो में। लेकिन दोस्तों अब एक और व्यक्ति है, एक और महापुरुष है गोकुलधाम सोसाइटी के, जो कि किडनैप होने वाले हैं, और वो है चंपक चाचा। जी हाँ दोस्तों, जो आने वाली स्टोरी है उसमें चंपक चाचा का किडनैप होने वाला है। जो अपकमिंग प्रोमो आया है अगर आपने देखा है तो उसमें बेसिक गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर से चंपक चाचा को कोई वैन में उठाकर ले जाता है, और जिसको कि अब्दुल देखता है, अब्दुल रोक नहीं पाता और अब्दुल सारे सोसाइटी वालों को इन्फॉर्म करने के लिए जाता है कि चंपक चाचा को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो गाइस अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि चंपक चाचा को किडनैप करने वाला व्यक्ति कौन है और किस वजह से उसने चंपक चाचा को किडनैप किया है। तो ये वीडियो दोस्तों पूरी आखिर तक देखिएगा। और उससे पहले दोस्तों, अब आप अपने मोबाइल फोन से ही खाली टाइम में काफी सारे पैसे कमा सकते हो रोज धन एप्लीकेशन की मदद से। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में से ऐप के लिंक से डाउनलोड करना है और आपको इंस्टेंट 50 रुपए मिल जाएंगे। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो आप स्क्रीन पर दिख रहे कोड यूज करोगे तो आपको 25 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको हर चीज के लिए पैसे मिलते हैं, जैसे कि आर्टिकल पढ़ोगे तो पैसे मिलेंगे, आर्टिकल शेयर करोगे तो पैसे मिलेंगे, गेम्स खेलोगे तो पैसे मिलेंगे, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो मतलब खाली टाइम में आप अपने फोन से काफी सारे पैसे कमा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो चंपक चाचा का जो किडनैप हुआ है ना, वो और कोई नहीं बल्कि वो करवाया होगा आसित कुमार मोदी ने। जी हाँ दोस्तों, शो के प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी, मतलब आपने पिछले कुछ टाइम से देखा होगा कि जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है या जो भी सस्पेंसफुल स्टोरीज चल रही होती हैं, उसमें ज्यादातर सस्पेंस स्टोरीज का सस्पेंस आसित कुमार मोदी ही निकलते हैं। और दोस्तों अब आपको पता होगा कि एक हफ्ते में ही जो है 11 साल पूरे होने वाले हैं तारक मेहता शो के, तो डेफिनेटली 11 क्योंकि लकी नंबर होता है, तो उसके लिए डेफिनेटली बड़े सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे होंगे। और यहाँ पे होना हो 101%, मुझे तो पर्सनली यही लग रहा है कि आसित कुमार मोदी ने गोकुलधाम सोसाइटी वालों को सरप्राइज देने के लिए चंपक चाचा का किडनैप किया होगा। और जब गोकुलधाम सोसाइटी वाले चंपक चाचा को बचाने के लिए वहां तक पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि उनको एक सरप्राइज सेलिब्रेशन मिलता है तारक मेहता शो की 11वीं सालगिरह का। तो गाइस पर्सनली मुझे तो भैया सही लग रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस बारे में, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्या ये सच में आसित कुमार मोदी हो सकते हैं या फिर मेरा अंदाजा गलत है, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी तक भी अपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ बेल आइकन दोनों को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।